हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे गांव के गणगौर फेस्टिवल की कुछ वीडियो और कुछ क्लिप्स। ये हमारे गणगौर माता और ईसरदास जी महाराज, जो शिव जी और पार्वती जी भगवान के ही रूप माने जाते हैं, उनको भोग लगाया जा रहा है। भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, बाकी सब कुछ उन्हीं का दिया होता है। ये हमारी गणगौर माता और ईसरदास जी महाराज, शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती जी मैया, इनको मैंने ही तैयार किया है। जरा देख के बताना कैसा तैयार किया। ये मेरा परिवार है। हमारे गांव में गणगौर फेस्टिवल इसी प्रकार मनाया जाता है। ये मेरा गांव का घर है। ये मेरे भुआ सा, भाभी सा, मम्मी, ये ईसरदास जी महाराज, ये माता रानी। अब इनको कुएं पे ले जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए। कोविड की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, बस घर घर के ही हैं। ये पापा मेरे बहुत अच्छे प्यारे से, मेरे रेस्पेक्टेड पापा, लव यू पापा। ये पुफोसा हैं। अभी मैं मेरे गांव के घर की भी कुछ झलक आपको दिखाऊंगी, जरूर देखिएगा। ये भाभी सा वगैरह सब आ रहे हैं बाहर, वो ऐसा। ये भौजाइयां सब बाहर आके गीत गाएंगे। अब गांव के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। घूंघट प्रथा तो है जो है, क्या करें। घूंघट प्रथा हट जाए तो सबसे बेटर काम हो जाए। अब सब मिलकर गणगौर माता के गीत गाएंगे। गीत जानते हैं आप सब? ये बाहर का व्यूज है। ये देखो खुला आसमान कितना अच्छा लग रहा है। शहरों में तो ऐसा दिखता ही नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बस आसमान तो दिखता ही नहीं है। छत पे जाके देखो तो दिखता है। ये मेरा प्यारा सा गांव का घर।
बहुत अच्छा है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत मिस करती हूँ मैं। ये खुला खुला चौक, कितने भी बैठ जाओ, परिवार वाले इंसान, खूब अच्छा लगता है। सिटी में जगह ही कहाँ है। ये देखिए प्यारा सा चौक, ये गणगौर माता बने हुए। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।